नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। मुख्यमंत्री ने कोरोना से खबरदार किया, हिमाचल बोले ज्यादा खतरनाक है नया संक्रमण। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने पत्नी संग लगवाई कोविड वैक्सीन, लोगों से आगे आने की अपील। डॉक्टर की गाड़ी पर किया पेशाब, विरोध करने पर नशेड़ियों ने क्वार्टर में जाकर जमकर पीटा। भाजपा ने पालमपुर नगर निगम के लिए जारी किया दृष्टि पत्र, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता में नई क्रांति का वादा। कोरोना के 116 नए मरीज, कांगड़ा में आए सबसे ज्यादा 90 मामले। हिमाचल में 3 अप्रैल तक साफ रहेगा मौसम, 4 से बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर सिर उठा रहे कोरोना संक्रमण से स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को खबरदार किया है। उन्होंने इसे ज्यादा खतरनाक बताते हुए अधिक सावधानी की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है, क्योंकि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के उपरांत पाया है कि इसमें खांसी और बुखार जैसे लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं पेश आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा परिसर में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में सामने आए मामलों के मुकाबले इस बार मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में कम समय लग रहा है और कभी भी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है, इसलिए स्वयं परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम और अधिक सतर्क रहें। करने का मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है, एक तो घर के माहौल में है, वो हमारे जो सिस्टम पर वो बर्डन नहीं, मतलब इस वक्त आज की तारीख में वो अपने आप मैनेज कर रहा है सारी चीजों को। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि होम आइसोलेशन में और बेहतर उनकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म डेवलप करें। नियर बाई जो हमारे डॉक्टर पोस्टेड हैं, चाहे वो PSC है चाहे CSC है, एंश्योर करो उनको, अगर वो जा सके वहाँ पर PPE किट पर उपलब्ध कराइए उनको। अगर PPE किट उपलब्ध नहीं करवाए, मुझे लगता कि व्यवहारिक नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पर्सनली जो है एक एक पेशेंट से बात करें, कम्युनिकेट करें, परिवार के लोगों से बात करें। और बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हमारे जो है, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर तो है, कम से कम ऊपर जाकर के जहाँ पर्सनली जो है एक एक पेशेंट से बात करें, कम्युनिकेट करें, परिवार के लोगों से बात करें। और बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हमारे जो है, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर तो है, कम से कम ऊपर जाकर के। कोविड वैक्सीनेशन भी वैश्विक महामारी से बचने का एक उपाय है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना खत्म नहीं होता। मास्क, स्वच्छता व हैंड सैनिटाइजर का उपयोग और सामाजिक दूरी भी उतनी ही जरूरी है। ये बात प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद कही। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को धर्मपत्नी सहित कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आओ सब मिलकर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं। प्रोफेसर धूमल ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सब वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क लगाएं, स्वच्छता रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 2 मार्च को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ली थी। आज मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि वैक्सीनेशन तो अवश्य करवाएं, मास्क लगाएं, स्वच्छता रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। वैक्सीनेशन भी एक उपाय है, लेकिन वैक्सीनेशन लगाने से ही कोरोना नहीं रुकता। मास्क, दूरी और स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। सभी अगर सावधानी बरतेंगे तो स्वयं भी बचेंगे, परिवार को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को और मानवता को बचाएंगे और हम सब मिलकर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं। मंडी से नशेड़ियों का एक खतरनाक कारनामा सामने आया है। यहाँ हुड़दंग मचाने से नशे में धुत लोगों को रोकना एक डॉक्टर के लिए इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई। हुड़दंगी ने डॉक्टर की गाड़ी पर पेशाब कर दिया तो वहीं क्वार्टर में जाकर उसे बेरहमी से पीटा भी।
सराज क्षेत्र के बगस्याड़ में कुछ नशेड़ियों ने पहले डॉक्टर के क्वार्टर के बाहर जमकर शराब पी और बाद में डॉक्टर की गाड़ी पर पेशाब कर दिया। जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो उन्होंने क्वार्टर में जाकर डॉक्टर और उसके चचेरे भाई की जमकर पिटाई कर दी। घटना बीती रात की है और जंजैहली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि जंजैहली पुलिस थाना ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। कल ये रात को कंप्लेंट आई थी जिसमें एक डॉक्टर हैं जो कि बक्सियाड़ सीएचसी में पोस्टेड है, उनको मारपीट की एक शिकायत उनकी तरफ से आई थी जिसमें पुलिस स्टेशन गोर और पुलिस स्टेशन जंजैहली की टीम जो है स्पॉट पर गई थी और वहाँ पे पूरे हालात से पता चला कि करीब 8 लड़कों ने उनको जो है घर में उनके घर में घुस के इलीगली अंदर जाके उनके साथ मारपीट की और साथ में उनका एक ब्रदर भी था जिसके साथ ये घटना हुई है। इसमें पुलिस स्टेशन जंजैहली में FIR जो है वो दर्ज की गई है और FIR में 452, 147, 149, 323, 504, 506, 120B IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वही मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने डॉक्टर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हम सरकार से पहले भी कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं और CSCs हैं वहाँ पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि भविष्य में जो ऐसी घटना ना हो और जितने भी हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं वो जो है जो हमारे काम करते हैं सिविल हॉस्पिटल में चाहे वो नाइट में होते हैं चाहे दिन में होते हैं वो सेफ फील करें। नगर निगम चुनावों की गहमा गहमी में और रंग घोलते हुए भाजपा ने आज पालमपुर के लिए अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इसमें शहर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के कई वादे किए गए हैं। पालमपुर नगर निगम चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अपना संकल्प पत्र आज जारी कर दिया। उद्योग मंत्री व पालमपुर चुनाव के पार्टी प्रभारी विक्रम ठाकुर के साथ कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, पूर्व विधायक प्रवीण कुमार, हिमांशु मिश्रा और विनय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर विक्रम ठाकुर ने कहा कि एक छोटी सी नगर परिषद को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम का दर्जा देकर पालमपुर की जनता की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी है। पत्र के अनुसार भाजपा सुशासन और विश्वास से पालमपुर चमकेगा विकास से के नारे के साथ नगर निगम के चुनावों में उतरी है। संकल्प पत्र में भाजपा ने स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य, वन संरक्षण, सौंदर्यकरण व पर्यटन विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं यातायात, गरीबी उन्मूलन व रोजगार के अतिरिक्त शिक्षा सहित जनता से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए अपील की है कि पालमपुर में विकास के लिए भाजपा उम्मीदवारों को विजय बनाए। ये पालमपुर में जो हमारा नगर निगम का चुनाव हो रहा है उस नगर निगम के चुनाव में हम पालमपुर को किस प्रकार का देखना चाहते हैं, पालमपुर कैसा नजर आना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर आज हम यहाँ पे एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो आज इशू करेंगे और हर किसी का मन करता है कि मैं पालमपुर में रहूं, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि पालमपुर को जो स्थान आज से पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हिमाचल में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है, वहीं नए मामले भी सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना के 116 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मंगलवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में पालमपुर क्षेत्र के 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कांगड़ा जिले में 90, ऊना में 16, चंबा 5, मंडी 3, बिलासपुर और सिरमौर में एक एक नया मामला आया है। सोलन में सोमवार को वृंदावन की यात्रा कर सोलन पहुंचे 22 यात्रियों समेत 80 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया है। प्रदेश में अब तक 59,428 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,027 की मौत हुई है। 75 दिन तक चले लाहौल स्पीति स्नो फेस्टिवल का आज समापन हो गया। इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्सव की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल स्पीति जिले के स्नो फेस्टिवल के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 75 दिनों तक चला ये महोत्सव इस जनजातीय जिला की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल ने विकास के नए रास्ते खोले हैं जिससे पर्यटन विकास को भी बहुत बढ़ावा मिला है।
क्योंकि इसके माध्यम से मनमोहक और खूबसूरत लाहौल घाटी विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि जिले के लोगों की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा। हिमाचल में गर्मी तेज हो गई है, लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। आने वाले दिनों में आखिर कैसे रहने वाले हैं मौसम के हाल, देखिए रिपोर्ट। राज्य में 4 और 5 अप्रैल को मौसम खराब रहेगा, जबकि 31 मार्च से 3 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा। फिलहाल कई जिलों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आने वाले समय में तापमान में और उछाल आने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। कल से मौसम साफ रहेगा, जबकि 4 और 5 अप्रैल को मौसम खराब होगा। और अब चलते चलते मणिकरण घाटी के खीर गंगा ट्रैक पर घूमने के युवक की मौत, मौके पर निकली पुलिस, कुनियार से आए थे घूमने। हिमाचल में विभागीय परीक्षाएं 17 से 25 मई तक, कर्मचारियों अधिकारियों के लिए सरकार ने जारी किया शेड्यूल। सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षु नर्सों के परिजनों की एंट्री पर रोक, कोरोना के बढ़ते मामले देख लिया फैसला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।